हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम मोहित गुप्ता है और आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमजी टेक्निकल में स्वागत है। दोस्तों, आज आपको बताने वाले हैं कि आधार कार्ड की नई अपडेट आई है। इसमें आप अपने पीवीसी आधार कार्ड को घर बैठे या मंगवा सकते हैं। तो आइए हम लोग अपने चलते हैं, गूगल क्रोम ब्राउज़र पर चलते हैं। तो ये हम अपने गूगल के क्रोम ब्राउज़र पर आ चुके हैं। तो यहाँ मैंने वेबसाइट डाला हुआ, आधार कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन की हुई है। आधार कार्ड ऑर्डर करने के लिए आपको 50 रुपये का शुल्क लगेगा और प्लस में GST भी इंक्लूड रहेगा। GST के साथ आपको 50 रुपये देना होगा, ठीक। या फीस पेमेंट करेंगे तो स्पीड पोस्ट के द्वारा आपका यह आधार कार्ड डिलीवर हो जाएगा। तो आप नीचे ड्रैग करेंगे, थोड़ा सा नीचे आएंगे तो गेट आधार कार्ड में ये नीचे दिया हुआ है, ऑर्डर आधार कार्ड PVC। तो उस पर आप क्लिक करेंगे। इस वजह से ही आप क्लिक करेंगे तो आपका नया एक पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें लिखा हुआ है गेट योर आधार कार्ड। तो इसमें आप जैसे ही आएंगे, इसमें देखेंगे, इसमें काफ़ी सिक्योरिटी दी गई हुई है। सिक्योर QR कोड इसमें दिया हुआ है, होलोग्राम दिया हुआ है और बाकी इसमें काफ़ी अच्छी सिक्योरिटी दी गई हुई है। ओके, जैसे कि आप देख लेंगे, मान लेंगे अगर बाहर से कहीं आप PVC कार्ड प्रिंट करवाते हैं तो वो सिक्योर नहीं होगा, वैलिड नहीं माना जाएगा। तो इसलिए जो आप यहाँ से ऑफिशियल वेबसाइट से अगर आप अपने आधार कार्ड को ऑर्डर करते हैं तो ये सभी जगह वैलिड रहेगा। ओके, और इसको ऑर्डर करने के लिए आप यहाँ चाहें तो आप या आधार कार्ड नंबर से आधार कार्ड नंबर फिल करके ऑर्डर कर सकते हैं, या वर्चुअल आईडी करके, या तो आप इनरोलमेंट आईडी डाल के आधार कार्ड को ऑर्डर कर सकते हैं। तो मैं अपना सीधा आधार कार्ड नंबर डाल के ऑर्डर करता हूँ, तो मैं आधार कार्ड नंबर फिल कर लेता हूँ। तो मैंने आधार कार्ड नंबर और कैप्चर नंबर डाल दिया हुआ है, तो ये कैप्चर कोड में डाल दिया। इसके बाद मुझे इस पर क्लिक करना है, माई मोबाइल नंबर इज़ नॉट वेस्टेड, उस पर क्लिक कर देंगे। इस पर आप जो भी, मतलब कि मोबाइल नंबर वेस्टेड हो या ना हो, आप जो भी वेस्टेड मोबाइल नंबर डालेंगे उस पर एक OTP जाएगा। तो मैं इस पर मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। तो मैंने मोबाइल नंबर डाल दिया था, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर OTP भेज दिया गया हुआ है। तो अपना मैं OTP जल्दी से फिल कर लेता हूँ। तो मैंने ये OTP डाल लिया हुआ। इसके बाद यहाँ पे टर्म्स कंडीशन पे क्लिक करके आप सबमिट कर देंगे। तो जैसे आप सबमिट करेंगे आपके लिए वेरिफिकेशन के लिए आएगा, ठीक। तो वेरिफिकेशन करना होगा, तो वेरीफाई योर आधार डिटेल्स, ओके। इसके बाद आप मेक पेमेंट पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे आप मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो एक नया पेज पेमेंट के लिए ओपन होके आएगा, जिसमें आपको चूज़ पेमेंट ऑप्शन मिलेगा। आप चाहें तो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, या तो आप नेट बैंकिंग थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, या तो आप UPI के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। तो जैसे कि आप कार्ड के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं, या नेट बैंकिंग के, नेट बैंकिंग में जाएंगे, अपना बैंक सेलेक्ट कर लेंगे, जिस बैंक में खाता है आपका, उसमें आप प्रोसेस करके लॉगिन वगैरह करके आप पेमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह आपका PVC आधार कार्ड ऑर्डर हो जाएगा, और ऑर्डर होने के ठीक आपके 15 दिन बाद आपके घर पर स्पीड पोस्ट द्वारा आपका आधार कार्ड पहुंच जाएगा। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।